जैसा मैं हूँ वैसे ही ये तुम्हारा शरीर भी है। माने मैं भी तुम्हारे जैसी आँख वाला, नाक वाला, कान वाला, सिर वाला, दो हाथ वाला, दो पांव वाला, मल लक्षण निमम कायम, जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम्हारा शरीर है। तो बाबा इसमें आकर तुम्हें भी जो मेरा धर्म है ना, भागवत धर्म, उसी पर आस्था करने के लिए, और इस तरह से तुम आनंद स्वरूप जो परमात्मा है मुझसे एक हो जाओगे। जहाँ आदमी को प्रवेश करना है वैसे सकल जब बनावेगा तब में वहाँ प्रवेश करेगा। तो निर्गुण प्रभु में प्रवेश करने के लिए निर्गुण वैसी सकल बनानी चाहिए। ये जो संसार दिख रहा है ये दिख तो रहा है परंतु बिल्कुल माया मात्र है, और इसमें किसी भी वस्तु के साथ मोह ममता नहीं करना चाहिए। और जो लोग गृहस्थ लोग अपने को बड़ा भारी समझते हैं और बाबा जी लोगों को तो भिखारी समझते हैं, परंतु उनको सुख है क्या? कमाई बड़ी भारी है, बोझ बहुत बड़ा है, चिंता बहुत बड़ी है, उनको मिलता क्या है? कुल मिलाकर के विष्णुधर कृपा, जननेन्द्रिय, बच्चा पैदा करने का काम, और जीव को अपने मन का खिलाने का काम, दो सुख उनको ज्यादा है। इसके सिवा जैसा बाबा जी और वैसा सेठ जी, दोनों में क्या फर्क? बोले भाई हम चाहे जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं कठीक, का हम हार कर देखिए अपने घर में चाहे जो भोजन बनवा सकते हैं कठीक, कई तरह से तो आप मन के ही पथ में बढ़ते जा रहे हैं ना। जब पूर्वा उर्वशी के प्रेम में फंस गया था तब तो उसने कहा हाय हाय मेरा मोह से दे दे, तो अब देवी जी ने ऐसा हमारा गला पकड़ा कि हमको तो अपनी आयु का ख्याल ही नहीं रहा, सूर्योदय सूर्यास्त तक का पता नहीं चला। मैं चक्रवर्ती सम्राट और इस औरत का खिलौना बन गया, क्रीड़ा परिषद बन गया, और देखो ना हम तो छोड़ करके भागी जा रही है, और जैसे गधी जो है वो गधे को लात मारे और गधा उसका पीछा करे, ऐसे मैं चल रहा हूँ। विद्या तपस्या त्याग सब किस काम का, जिसके मन की ये दशा हो गई, इस पुष्करी ने मेरे मन को हार दिया और इसने तो उक्त वाक्य से मुझे समझाया परंतु मेरी समझ में नहीं आया। अब फिर देखो यहाँ तक की तो बात है साधारण, आगे बोलते हैं कि नहीं नहीं इसने तो हमारा कुछ नुकसान नहीं किया, मैंने अगर रस्सी को सांप समझ लिया और रस्सी को नहीं समझा तो मेरा दोष हुआ ना। कहा ये शरीर मलिन से मलिन और इसमें मनुष्य आसक्त हो जाता है, ये सौंदर्य है और ये कैसी बढ़िया तोते किसी नाक है, या क्या फूल करते हैं वाणी में, ये क्या मुस्कान है, बस महाराज ये विष्ठा मंत्र के गड्ढे में और मैं फंस गया। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, कभी संसार में फंसना नहीं चाहिए, दुसंग छोड़ो और सत्संग में आओ, क्योंकि ये संत लोग जो हैं वो सच्ची सच्ची बात बता करके मन की आसक्तियों को छुड़ा देते हैं।
और संत लोग जो हैं वो तो मुझे ही अपना प्राण समझते हैं, मेरी कथा वार्ता करते हैं, उसी से उसको भक्ति मिल जाती है। तो महाराज जैसे सूर्य की कोई सेवा करे तो ठंड भय अंधकार सबकी निवृत्ति हो जाती है, इसी प्रकार सत्संग से सारे दुख जो हैं वो मिट जाते हैं। जो लोग संसार के चक्कर में फंसे हुए हैं उनके लिए बिल्कुल एक उपाय है कि वे संत का आश्रय में सत्संग करें। संतो विसंत चक्षुं से बहिरर्कत समझते, ये सूर्य डूबता है तो बाहर की आंख देता है और संत मिलते हैं तो भीतर की आंख देते हैं। देवता है संत, बंधु बांधव है संत, आत्मा है संत और मैं स्वयं भगवान मैं भी संत। इसके बाद महाराज पूछा उन्होंने कि क्रिया योग का क्या स्वरूप है तो बताओ, क्योंकि सबसे अधिक कल्याणकारी पदार्थ यही है। किसी से कहो ना कि निष्क्रिय होकर बैठो, बैठ नहीं सकते, तो क्रिया के द्वारा भगवान की आराधना कैसे हो। भगवान ने बताया कि क्रिया योग तीन तरह का होता है, वैदिक तांत्रिक और जो अपने को अभिष्ट हो उसी के द्वारा करना चाहिए। अब मूर्ति में पूजा करो, धरती में करो, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में, ब्राह्मण में, गुरु में, भगवान की पूजा के यही स्थान। तो पहली बात यह है कि पूजा में अपने को पवित्र, अपने मन में अगर ये बात हो कि मैं पवित्र हूँ पक्का बनाओ, तो चाहे किसी भी अवस्था में आप भगवान की पूजा कर, इसमें मैं पवित्र हूँ ये भाव होना आवश्यक है। क्योंकि यदि श्रृंगार पूरा नहीं होगा तो पति के सामने जो उपस्थान है वो भी पूरा नहीं होगा। इसके लिए लोग कहते हैं मन ही मन गंगा स्नान कर लो, मन ही मन जमुना स्नान कर लो, मन ही मन पूज्य मंडल से जो अमृत गिर रहा है उसमें स्नान कर लो, गुरु के चरणारविंद का जो अमृत है उसमें स्नान कर लो, मंत्र का जप कर लो, शास्त्र लगा लो, भगवान का नाम जप लो, कैसे भी मैं पवित्र हूँ ये ख्याल कर लो और अपने लिए जो विहित कर्म है उनका अनुष्ठान कर लेना चाहिए। और भगवान की जो पत्थर की बनी, लकड़ी की बनी, सोने चांदी की बनी मूर्ति होती है उसकी पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा चाहे चल प्रतिष्ठा में हो और चाहे अचल प्रतिष्ठा में हो। तो महाराज हृदय में अगर भगवान की पूजा करनी हो ना तो मानस उपचार से करना चाहिए, और यदि अपने पास सामग्री न हो तब तो मानस उपचार से जरूर ही करना चाहिए, और बाहर करना हो तभी उसमें ये नहीं है ये नहीं है इसके लिए अपना मन नहीं बिगाड़ लिया। आज तो बेल पत्र ही नहीं आए, अब चिल्ला रहे हैं और शंकर जी की पूजा छूट रही है, कहा आया तुलसी पर नहीं आया। अरे नहीं आया तो बिना तुलसी की पूजा कर लो, भगवान है तुम दोनों को ना। एक पत्नी महाराज कुआड़ी बंद करके बैठे, अब पति चिल्लाए कि तुम हमारे पास आ जाओ, उनसे बात करो, मिलो जुलो। अब वो कहे कि अमुक रंग की साड़ी तो आज हमारी मिलती नहीं है, हम तुम्हारे सामने कैसे आएं। पति तो मिलने को तैयार है और वो साड़ी के कारण दिवाली बंद करके बैठी है, इसी का नाम बेवकूफी होता है। तो महाराज भगवान की पूजा करना हो तो अग्नि में अभिष्ट से करना, पृथ्वी में मंत्र से स्थापना करना, सूर्य में उपस्थान आदि करना, जल में तर्पण। भगवान को कोई श्रद्धा से कुछ भी देना तो वो उनके लिए सब कुछ हो जाता है, उसमें श्रद्धा ही मुख्य है। अपने को न्यासादि से पवित्र करके, मूर्ति को भी न्यासादि से पवित्र करके, शुद्धि आदि की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वमुख कर लेना है। हमारे उपासना में पूजा में ऐसा बोलते हैं, ओम मूल श्रृंगा का तिरस्त सुमना पते न जीव शिव परम शिव कदे योजया स्वाहा। एक दिव्य स्थितिमयी त्रिवक्र कुंडलिनी चम चम चमक रही है, मूलाधार नीचे से लेकर के और ऊपर के उन्मनी अवस्था तक उसमें अपने मन को मिला दिया और ऊपर चढ़ते गए परमात्मा से मिल गए। ऐसी भगवान के जो आवरण है, उनके अंग है, उपांग है, अस्त्र है, और सुप्त है, राजनादि मंत्र है, इनके द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए, हवन आदि भी करना चाहिए, गाना बजाना नाचना भी चाहिए भगवान के सामने, और स्तुति आदि भी करनी चाहिए। जहाँ महाराज जब श्रद्धा हो
तब वही भगवान की पूजा करनी चाहिए। अर्चा विष्णु जदा यत्र श्रद्धा माम तत्र कार्य, जहाँ श्रद्धा हो वही भगवान की पूजा कर लो, क्योंकि सर्वभूतेषु आत्मनि च सर्वात्मा अमवस्थितः, सब में मैं ही हूँ और तुम्हारी आत्मा में भी मैं ही हूँ, तो तुम सब में पूजा करो चाहे अपने में पूजा करो। इस प्रकार महाराज भगवान की पूजा करनी चाहिए। मंदिर बनवाना हो तो मंदिर बनाना चाहिए, उसके लिए बगीचा लगाना चाहिए, यात्रा निकालनी चाहिए, पूजा आदि हमेशा चलती रहे इसके लिए खेत बाजार पूर्व ग्राम सब उसमें लगाना चाहिए, और उसको फिर कभी छीनना नहीं चाहिए, चाहे अपना हो चाहे पराये का, तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब आगे वर्णन करते हैं, वरत को कर्माणी न प्रसंसे न गर्भे, विश्व में एक आत्मतम पद्यन प्रकृतिया पुरुषे नरत स्वभाव कर्माणी यशंसति निंदते, तो आप दृश्यते स्वार्था असत्य निवेश। भगवान ने कहा भाई देखो सबका अपना अपना स्वभाव होता है, हरि का एक स्वभाव है, सुखा सराही अमरता और गरज सराही, सुधा तत्काल जो अमर कर देती है ना ये सराहना करने योग्य है, और जिसकी सराहना करे बोले जिससे तत्काल सुन के बहुत हो जाए, आंख से देख के बहुत हो जाए, हाथ गहर हो तो ऐसा नहीं, तो गरल की सराहना यही है और अमर की अमर की सराहना भी यही है, अपना अपना दोनों का स्वभाव। एक दिन महाराज अंगूर ने करेले को काटा, क्या खड़वा करवा तेरे अंदर क्या रखा, करेले ने कहा कि हाँ मैं कड़वा तो हूँ जरूर और अंगूर भी आप बहुत मीठे, पर तुम्हारे सेवन से लोगों को डायबिटीज होता है और हमारे सेवन से डायबिटीज नहीं होता है, तो सब अपने 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 ढंग में रहते हैं। ये जो तो सांप और बिच्छू होते हैं ना, ये भी संसार में जो जहर है उसको खा के अपने भीतर रख लेते हैं, अगर वो जहर खाने के लिए नर है तो मनुष्य के भोजन में स्नान में अरे पानी में हो और मिट्टी में सब जगह जहर ही जहर भर जाए, ये जहरीले कीड़े जो हैं वो संसार के जहर को लेकर अलग हो जाते हैं, तो ये किसी की निंदा करना जो है वो न प्रशंसा करें और न नकार करें, क्योंकि सब एक परमात्मा है और जो इसमें लग जाता है वो अपने मार्ग से स्वार्थ लक्ष्य से चुत हो जाता है। हाँ, जो चीज है ही नहीं असत ही अभिनिवेशता, जो वस्तु है ही नहीं उसमें उसका अभिनिवेश है, जैसे सपने में नाना को दिखाई पड़ता है वैसे ही जागृत में है, इसमें कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है ना, कौन कितना है, ये सब वास्तविकम तदनृतम मनसा अभ्यास होश, ये तो वाणी का व्यवहार और मन की कल्पना का जगत, उसी से ये सब कसरत चल रहा है। छाया प्रत्याया भाषा असंतोष व्यर्थ का लेना, अपनी परछाई महाराज सिद्ध हो जाती है कुछ नहीं, पर सिद्ध होने पर ये छाया पुरुष जब सिद्ध हो जाता है तो उसको भेज देंगे कलकत्ता जा ये चीज ले आओ, विधायक भेज देंगे छाया, जैसे काम बनता है। लेकिन हमने तो एक काम बहुत बड़ा बनता देखा है, जब हम बच्चे थे ना अपने बाबा के साथ चलते थे और पश्चिम और सूर्य होते और हमारे ऊपर कड़ी धूप पड़ने लगती तो बाबा हमको अपने पूरब कर देते, तो उनकी परछाई में जब हम चलते थे तो धूप नहीं लगती, और परछाई है क्या, कुछ चीज है परछाई, कोई भी कोई नहीं है, परंतु छाया से काम तो बनता है, आया प्रत्या होया आता। मैंने ऋषिकेश में देखा था पहले, ये जहाँ चंद्रभागा जाकर मिलती है ना गंगा जी के चंद्रेश्वर मंदिर, पंडा लोग वहाँ यात्रियों को ले आते और बोलते कि देखो यहाँ एक देवता रहता है, वो बोलता है वो मांस खाता है और दूर से चिल्लाते लड्डू लोगे की पेड़ा तो आवाज आती पेड़ा, तो देखो देवता पेड़ा मांगता, पेड़ा लोगे की लड्डू तो आवाज आती लड्डू, जो आखिरी होती वही आती। अब इससे कुछ चाहे वो झूठी हो पर पंडे की जीविका तो इसमें चलती थी कि नहीं, उसको दक्षिणा मिलती थी कि नहीं, प्रतिध्वनि से भी जीविका चलती है। क्या करिया तालाब में अहमदाबाद के ऐसे ही होता है, हम कई बार जाके शाम को भी चाहे, तो आभास जो है ना, हाँ
आभास जो शीशे में देखते हैं उससे भी अपनी मुख ठीक ठीक बैठने में मदद मिलती है कि नहीं? और ये स्त्रियां जितना मेकअप करती हैं, शीशे में जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है वो क्या सच्चा है? जैसे एक पुरुष पहले पहले अफ्रीका में कहीं से शीशा ले आया, बुलाया रखे हुए था, तो एक दिन उसकी पत्नी ने उसका सामान आमान देखा, सामने किया, उसने एक औरत को देखी वो वैसे ही दिखा, बोली अरे हमारा मर्द किसी दूसरी औरत से हमारा जो लेक वो सीता चली गई अपने बाप के घर। बाप ने भी देखा ये बेटी कैसे रूपी हुई है, एक बार उसका सामान देखा तो जैसा वो बाप था वैसे ही पीछे में देखा, बोले होल हो हमारी बेटी की नीयत खराब हो गई, किसी बुढ़े से फंस गए। बुढ़े ने महाराज सीता निकाल के अपने पाप रख लिए। अब उसकी पत्नी है, उसने सीता निकाल के देखा, बोले अरे ये हमारा बुढ़ा पति कोई और बुढ़िया रखे। अब महाराज उस परछाई में कुछ नहीं था, पर तीन तीन घर जो है ना उससे बिल्कुल है ना बिगड़ गए। तो इनसे भी इसी चीजों से भी दुख दुख राग द्वेष अर्थ होता है। ये देह आदि जो है ना ये बिल्कुल ऐसे हैं, ये सब आत्मा के स्वरूप हैं और आत्मा से अलग तस्मात नैयात्मनोन्यत्मा अन्यो भावो निरूपिता। ये आत्मदेव जो है वो सबसे निराले है, पर इनसे निराला कोई नहीं। देखो खड़ा चकोरा है ना फुलवा जो कुछ है सबसे अलग मिट्टी है, परंतु मिट्टी से अलग कुछ नहीं। कार्याकार परिणाम से कारण वस्तु जो है वो पृथक होती है, परंतु कारण वस्तु से कार्य वस्तु जो है वो पृथक नहीं होती है। श्री निम्बाकाचार्य महाराज, श्री वल्लभाचार्य महाराज इसी सिद्धांत का तो प्रतिपादन करते हैं। अद्वितीय अद्वैती जो है ना वो कहते हैं सिद्धांत तो ये ठीक है, लेकिन जड़ होता है तब तो कार्याकार परिणाम को प्राप्त होकर अभिन्न होता है, और चेतन जहाँ कारण होता है वहाँ वो परिणामी नहीं होता है, क्योंकि चेतन यदि परिणामी हो जाएगा तो परिणाम का साक्षी कौन होगा? इसलिए वो परिणाम जो है वो विदर्श मात्र ही है, परिणाम नहीं है, ऐसा अद्वैती लोग कहते हैं। तो ये सब बाबा माया का खेल है और इसमें ज्यादा मनुष्य को नहीं फंसना चाहिए। ज्ञान विज्ञान नई गुणम न निंदति न सौती लोके करति सूर्यवत। एतत् मधुबितम ज्ञान ज्ञान विज्ञान नई गुणम विद्वान पुरुषः। जो ज्ञान विज्ञान नई गुण को जानता है वो न किसी की निंदा करता है और न किसी की स्तुति। हमारे बाबा बचपन में बुद्धे थे, 78 बरस की उम्र में उनका शरीर सुधा हुआ, तो वो बोलते थे सराहो मत सराहो मत निंदना पड़ेगा, और निंदो मत सराहना पड़ेगा, ऐसे बोलते थे। एक तो हम लोगों के गांव में ऐसी हम गांव की बोली में बोल देते हैं तो सारी लोग नहीं समझेंगे है ना, और अच्छा रहेगा सराहल दिया गोम का जाने। ये हमारी जाति खास फेस हमारे गांव की चीज है। तो बाबा दुनिया में क्या अच्छा क्या बुरा इसमें ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान का भजन करना। देखो प्रत्यक्ष देखते हैं कि घड़ा फूट जाएगा और अनुमान से मालूम पड़ता है कि सावय है पृथ्वी तो वो नष्ट हो जाएगी, और वेद कहता है कि आकाश की भी उत्पत्ति होगी, और आत्मानुभूति कहती है कि अपने सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं। चार विभाग कर दिया, प्रत्यक्ष घटादि मिथ्या, अनुमाने न पृथ्वी मिथ्या, निगमे न आकाशादि मिथ्या, आत्म संग्रह संविदा प्रकृत्यादि मिथ्या, आद्यंत उद्धव जी ने कहा कि संसार है किसको, आत्मा को है कि देह को है? आत्मा तो अविनाशी नित्य शुद्ध शुद्ध मुक्त है, और देह जो है अनात्मा मरने वाला। ये संस्कृति किसको है? संस्कृति माने गमनागमन, लोक परलोक में आना और जाना। भगवान ने बताया भाई ये है तो किसी को नहीं, लेकिन ये अपना मैं जो है ना ये चढ़ बैठा है कहाँ, देह देह चढ़ बैठा मैं पर, और मैं चढ़ बैठा देह पर। तो देह में जो अनित्यता है, जड़ता है, दुख रूपता है, वो अपने आप में आरोपित हो गई, और मैं की जो नित्यता है और प्रकाश रूपता है और सुख रूपता है वो देह में अध्यक्ष हो गई।
अब ये महाराज पता ही नहीं चलता कि किसका क्या है और किसका क्या है, और आदमी इसी चक्कर में पड़ करके भटकता है। तो संसार खलवान सावर अपार्थो भी अविवेकी नहा, केवल अविवेक ही संसार का मूल है। आत्मा और अनात्मा का ठीक विवेक न होना ही इस संसार का मूल है, और है नहीं पर चिंतन करने से रहता है, जागने पर क्या सपना टूट नहीं जाता। ये सब अहंकार का खेल है, और अहंकार के कारण ही मनुष्य इसमें विचरण करता है। इसलिए तृष्णा छोड़ दो। देखो हमने ये देखा है, सोना जो है ना, जेवर बनने के पहले भी सोना है और जेवर टूटने के बाद भी सोना है, और मध्य में अनेक जेवरों के नाम से वो मशहूर होता है। इसी प्रकार ये परमात्मा की, परमात्मा कहते हैं अहम तद्वत अस्य प्रपंच तद्वत अहम, मैं बिल्कुल सोने की तरह हूँ। जेवर बनने के बाद भी मैं, पहले भी मैं, है ना, टूटने पर भी मैं। एक जगह कई महाराज कच्चे वेदांति इकट्ठे हुए, एक कच्चे वेदांति होता है, एक बच्चे वेदांति होते हैं। कच्चे बच्चे सच्चे, है ना, वेदांतियों से बहुत भेद होते हैं। तो वो पक्के लोग जो है ना, वो समझ जाते हैं कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, खड़ा है तो माटी, पर असली माटी तो तब बनेगा जब खड़ा सूख जाए। इसी तरह से ये जीवात्मा जो है तो परमात्मा से, परंतु जब मर जाएगा तब परमात्मा होगा। अरे भाई, जो परमात्मा का स्वरूप है वो तो सर्वम समापनों की सतोषी सर्व, वो तो परमात्मा का सर्वभूत ही है। यद प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं रसम मत्स्थानि सर्वभूतानि निदाहं ते स्ववस्थितः। तो ये परमात्मा तो सब है, इसलिए अस्य आद्यन्तयोः यत् केवलं तदेव मध्ये। नियम यह है कि जो जिससे पैदा होता है, जो पहले नहीं था और जो पीछे नहीं रहेगा, वो बीच में माया मात्र है, नाम मात्र। और जो जिससे पैदा होता है, तत्व के रूप में हो, माँ बाप के रूप में नहीं, तत्व के रूप में, जो जिससे बनता है और जो जिससे प्रकाशता है, वो तो अलग बिल्कुल नहीं होता है। सूर्य से प्रकाशने वाली चीज सूर्य से अलग नहीं होती, क्योंकि सूर्य से केवल रूप ही प्रकाशता है, रूप के सिवाय और नहीं। तो महाराज, गिरा हुए ये संसार भाग रहा है, विवेक करके इसको दूर करो। ये शरीर आत्मा नहीं है। अब मान लो जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, वो तो सूर्यवत है ना, साधन आए तो क्या और ना आए तो क्या। जैसे आकाश में धूल आवे कि हवा आवे कि आग जले कि न जले, आकाश का कुछ उसमें नहीं गिरता है। ये स्थिति आत्मा की है, फिर भी आसक्ति नहीं करना चाहिए और मन की दवा करके बिल्कुल उसको ठीक ठाक रखना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े चोरियों को भी ये दुख देने लगता है। तो मनुष्य जो है, जब तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो शरीर का क्या हो रहा है इस पर उसकी दृष्टि नहीं होती है। जैसे महाराज सूर्योदय होने से कोई चीज बनती नहीं है, केवल अपनी आंख के सामने जो अंधेरा है वो दूर हो जाता है। इसी प्रकार जब तत्व ज्ञान होता है तो केवल अपनी बुद्धि में जो गुहांधकार है, ज्ञानांधकार है, वो मिट जाता है, कोई चीज बनती नहीं है, ये तो स्वयं प्रकाश है। तो महाराज, इतना ही मोह है इस केवल वस्तु में, अद्वितीय वस्तु में हम नाना प्रकार का द्वैत देखते हैं। और जो लोग इस संसार को सच्चा मानते हैं तो वो बिल्कुल धूल में पड़े हुए हैं। तो इसलिए यदि कोई विघ्न आ जाए, तो योग धारणा से कुछ, आसन से कुछ, मंत्र औषध से कुछ विघ्नों को दूर कर देना चाहिए। कोई कोई विघ्न भगवान के ध्यान से दूर होते हैं, और कोई नाम संकीर्तन से दूर होते हैं, कोई सत्पुरुष के संग से निवृत्त होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा देह चिरस्थाई हो जाए, और फिर अपने देह को कल्प स्थाई करके और सब सिद्धि के लिए प्रयास करेंगे। बोले कि देखो, समझदार आदमी इस चक्कर में कभी न पड़े। अभी हमारे ये कथा शुरू हो जाने के बाद एक महात्मा आए थे कि हम कल्प करना चाहते हैं जिससे हमारा शरीर स्थिर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अमुक आदमी उनको कल्प करा देंगे, तो मैंने उनको बुलवा लिया।
अब वो आए हैं महाराज, तो आके उन्होंने बताया कि अब तक जितने लोगों ने खर्च किया है उनकी आयु घट गई, उनका शरीर घट गया, उनका बल नहीं बढ़ा, उन्होंने कई तरह के कर्म करवाए हैं, अमल की कर्म करवाए हैं उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा कर्म करना हो तो परपटी का कर्म कर लो, है ना, थोड़ा ये संग्रहणी अंग्रहणी होगी मिल जाएगी, नहीं तो ये माल कांगनी ज्योतिषमती और ये फलाना दिखाना ये सब हमने देख लिया है, ये बिल्कुल अपने मन को केवल आश्वासन देने के लिए है और बना कर दिया उनको तो बिल्कुल हमारी जानकारी में आप करिए मत और करना हो तो हम कहेंगे, और यदि कोई जीवन में तो इस तरह से देह रहेगा तो हम भगवान का भजन करेंगे और देह आवे जाए बदलता रहे, नई नई पोशाक पहन के भजन करेंगे, ये क्या कठिनाई है। तो इस शरीर हमेशा रहेगा इस पर श्रद्धा नहीं करना चाहिए। और बुद्ध जी महाराज ने पूछा कि महाराज आप ये जो योग चर्या बताते हैं ये तो बड़ा कठिन है, क्योंकि संसार के लोग जब मन को एकाग्र करने के लिए चलते हैं तो मन को समाहित होता नहीं और बड़ा दुख पाते हैं, शरणारविंद की सेवा ही करना चाहते हैं। ये बात ये होती है महाराज, भगवान का भजन करने के लिए तो आदमी चल रहा है, तो ये जो स्वयंभू आचार्य लोग हैं, स्वयंभू आचार्य आप जानते हैं, इनके न गुरु है न संप्रदाय है न शास्त्र है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि अरे केवल भक्ति से क्या होगा, आओ हम तुमको योगा सिखा देते हैं और ज्ञान हम सिखा देते हैं और भजन छुड़वा देते हैं। ये गड़बड़ाने वाले लोग जो है ना, ये मनुष्य को भजन के मार्ग से चुप कर देते हैं, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि गड़बड़ाने वाले जो है इनका संग हे भगवान कभी नहीं देंगे। जब उद्धव जी ने प्रार्थना की कि महाराज हमको तो सीधी सीधी बात बताओ, ये सब ज्ञान ध्यान योग ये हमारी समझ में नहीं है, बोले कि अच्छा लो अब मंगलमय धर्म तुमको बताते हैं, इसी का नाम असल में भागवत धर्म है, आप अपने कर्म और शक्ति परंतु किसके लिए भगवान के लिए, जब यही आपको नहीं मालूम है कि कहाँ जा रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं तो करने और जाने का कोई अर्थ ही नहीं, तो भगवान में अपना मन समर्पित कर देना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, अच्छी जगह में रहो, भक्तों का अच्छी गाथा है पढ़ो, भगवान की आराधना करो, तो सब प्राणियों में भगवान का भाव करो, यही भगवान ज्ञानी को जानते हैं अनुभव करते हैं कि सब परमात्मा है, और आप भाव कीजिए कि सब में परमात्मा है तो ज्ञान की दर्द नहीं रहेगी, और नारायण ब्राह्मण हो चाहे कसाई और चोर हो चाहे ब्राह्मण भक्त और सूर्य हो चाहे चिंगारी और चाहे अहिंसक हो चाहे हिंसक, सब में जो ये सब नाम गुण आकृति क्रिया का भेद होने पर भी सब में जो एक है परमात्मा, उस पर सिद्धि रखो। जो मनुष्य सब में परमात्मा को देखता है, भावना करता है, वो किसी से स्पर्धा नहीं करता, उसके मन में असूया नहीं आती और वो किसी का तिरस्कार नहीं करता, उसमें अहंकार नहीं आता, ये तो सब के सब तय बना जाते हैं, तो लोग हंसे तो हंसने दो, सब में भगवान समझ के चांगाल को भी गधे को भी और नमस्कार करो। जब सब में भगवत भाव का उदय हो जाता है तब तो सब परब्रह्म परमात्मा अपने आप ही हो जाता है, ये कल्प जो है ये सबसे सुगम है। अयम ही सर्वकल्पाना सभी तीनों मतो मम मद भाव सर्वभूतेषु मनोवाक काय वृत्ति भी। अरे जो सब हम नहीं कह पाते, हम जात नहीं कह पाते, हमको किसी को कहना खूब जाना है कि अनजाना बना है, आप में आप छिपा पर्दा ढके बैठे, तुम कहो वह कहो यह कहो मैं कहो, दस्तु तो एक ही है और नाम भरे बैठा है, ये सब नाम ही नाम अलग अलग है, एक परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है और इसमें कहीं हानि नहीं है, और सच उसको तो निरर्थक आयात भी, एक आदमी को कुत्ते ने खदेड़ा हो तो उसको ख्याल आ गया कि कुत्ता जो खदेड़ रहा है ये भगवान का रूप ही है, और हमको इसलिए भगवान कुत्ता बन के खदेड़ रहे हैं कि हम जाके भगवान की जोत में गिर जाएं और चिपक जाएं। अब महाराज वो खाटते खाटते पांव फिसल गया, गिर गया तो शरीर तो गिर गया लेकिन वो भगवान की जोत में, डर से भागा था लेकिन पहुंच गया भगवान की जोत में,
यही भक्ति की विशेषता है। जो मई पुष्परे परो धर्म कल परे धर्म कल के पदाए थे तथा या तो निरस्या न निरस्या भयादे दिवस समा वो आयास भी निष्फल नहीं होता। तो यही सबसे बड़ी बुद्धि है और यही सबसे बड़ी मनीषा है कि मनुष्य मरने वाले शरीर से अमर वस्तु को प्राप्त कर ले तो ज्ञान विज्ञान सत्व को समझा दिया। जो इसको धारण करेगा उसको परम ब्रह्म का अनुभव होगा और उसको जो महाराज इसकी दीक्षा देगा उसको मैं आत्मदान करूंगा, इसका अध्यक्ष होकर के धारण करो, देखो खुद करो, तुम मेरे घर करो, मेरी बात सुन करके तुम्हारा शोक मौजूद हो गया कि नहीं। और दांतिक मानसिक आदि को इसकी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जिसमें कोई दोष नहीं हो उसको ही इसका दान करना चाहिए अपने प्रिय शिष्य को। संसार के समग्र साधन मार्गों में ज्ञान में कर्म में योग में जो कुछ है महाराज व्यापार में और राज्य में वो सब अकेले भगवान में है। इसलिए भगवान ने जो अंतिम बात कही ना वो ये है मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा सुखो में तदा मृतत्व प्रतिपद्य मानो। समय से भगवान के सामने निवेदितात्मा हो गए खड़ा होगा तो भगवान कहते हैं कि अभी स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता, अब इसके बारे में मुझे करना चाहिए। जब तक मनुष्य स्वयं अपने बारे में करता रहता है उनके सामने होता नहीं तब तक तो कुछ नहीं, पर सामने हो गया उनको तो देख रहा है और कुछ करता है, ईश्वर दिख रहा है और कुछ करता है। और ईश्वर न दिख रहा हो और कुछ न कर रहा हो तब तो संसार में जाने का डर रहता है, पर ईश्वर के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया तो भगवान कहते हैं मैं मया विशिष्टम कर्तुम इष्टो भवति। मैं चाहता हूँ यदि मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है तो मैं इसको एक विशिष्ट व्यक्ति बना दूं और तब मेरा अमृत मिलता है और जैसा मैं हूँ जो मैं हूँ वही वो हो जाता है। अब तो महाराज सुन के उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने महाराज उनके चरणारविंद का स्पर्श किया और कहा कि आपने तो हमारा सब मोह दूर कर दिया और बस आपके चरणों में सदा शक्ति बनी रहे। भगवान ने कहा कि अभी तो तुम दो हमारा ज्ञान सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए यहाँ रहना आवश्यक है, बदरी आश्रम में जाओ और वहाँ अलग नंदा में इसका दर्शन करना। इच्छया नकर नंदाया विद्युता से कर नहाना अलग नंदा जैसे बस दर्शन कर देना अलग नंदा ठीक है। सारे पास बन जाएंगे और ऐसे ऐसे वहाँ रहो और मैंने जो बताया है उसका ध्यान रखना और मुझे मिल जाओगे। अब तो उद्धव जी महाराज बार बार परिक्रमा करें चलने को हो फिर लौट जाए और फिर जाए और फिर लौट जाए, अंत में भगवान को लेकर के वो वहाँ पे चले गए। ये आनंद समुद्र समृद्ध ज्ञान अमृत है, ये क्षीर सागर का या क्षार सागर का नहीं है, आनंद समुद्र के मंथन से ये ज्ञान अमृत निकला है। भगवान ने स्वयं निकाल के अपने प्रेम भक्त को दिया है। इसलिए सब भयम अपहन तुम ज्ञान विज्ञान निगम कृत जहरे गंगवदार अमृत मुदिता पाये दृश्य वर्गा पुरुष अमृत महाद्यम कृष्ण संयम अक्षम उद्धव जी जब चले गए भक्त नहीं रहे तो भगवान कहाँ रहे, भक्त के बिना तो भगवान के रहने की कोई जगह ही नहीं है। अक्षम महाराज बड़े बड़े उत्पात हुए द्वारका में और प्रभास जाने का निश्चय पहले हुई सुबह का था, सब लोग गए प्रहलाद प्रभास नाव को पार 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 कर करके और वहां जाके महाराज महापान किया। जैसे जहर शरीर को नष्ट करता है वैसे शराब मदिरा बुद्धि को नष्ट करते हैं, एक बुद्धि का सत्यानाश कर देता है, अपने काबू में ही नहीं रहती है महाराज। और फिर तो आया क्रोध और दोनों के अभिमान बढ़े और हुई आपस में लड़ाई करके जगवंशियों ने अपना सत्यानाश कर दिया महाराज। यहाँ तक कि पिता पुत्र भाई बहन
है ना, और गौपित्र क्षत्रिय पितृजी नातुल आपस में लड़ गए। अब कृष्ण बलराम गए उसको रोकने के लिए, तो उन्हीं को मारने दौड़े, ये तुम्हारी भी गड़बड़ है। उसको महाराज उनको भी आ गया क्रोध और अंत को समय था सब तो महाराज नष्ट। अब भगवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब पृथ्वी का भार जो है हाँ वो बिल्कुल उतर गया, और इनका सबका जो शरीर त्याग है ना वो हो गया, और ये नित्य अपने नित्य सिद्ध रूप में जो परमात्मा के स्वरूप ही नहीं है तो उसको प्राप्त हो गए। बलराम जी ने भी अपने शरीर का त्याग। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण जी जाके पीपल के नीचे चतुर्भुज रूप धारण करके चतुर्भुज रूपा, जब तक ये चतुर्वर्ती लोग लड़ते थे ना तब तक दुर्भुज ही रहे कि ये हमको मनुष्य ही समझे, फिर हो गए चतुर्भुज और जाके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। जांघ पर महाराज दाहिनी जांघ पर उन्होंने बायां पांव रख लिया। अब वो आ गया जरा नाम का व्यास और उसने समझा कि ये कोई हरिन वरिन है, निशाना लगा दिया और फिर आके देखा ये तो बड़ा भारी अपराध हुआ, तो क्षमा मांगने लग गया श्री कृष्ण से। परंतु महाराज श्री कृष्ण जो है उन्होंने कहा इसमें डरने की क्या बात है, ये तो मेरी इच्छा ही थी। उसी समय दारुक आ गया, उसको भगवान ने उसके कर्तव्य बता दिए और रथ भगवान का उसी समय उड़ गया और कह दिया कि देखो द्वारका में कोई नहीं रहे वो ढूंढने वाली है, तो उधर से तो दारुक चला गया। अब इस समय महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र दीपक वृक्ष के नीचे विराजमान है, ब्रह्मा भवानी शंकर सब वहाँ आए और सब उनकी स्तुति करने लगे भगवान के, और फिर वहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपनी जो लोकाग्रह और धारणा ध्यान मन का तन है भगवान का शरीर देखा कि इतना सुंदर श्री विग्रह तो कभी किसी का न हुआ न होगा, और धारणा करने के लिए और ध्यान करने के लिए भी वो मंगल है। तो भगवान ने उस श्री विग्रह को यहीं रख दिया, उसको मिटाया नहीं, यहीं छोड़ दिया, यहीं रख दिया कि देखो दुनिया के लोगों इसका ध्यान करो और इसकी धारणा करो और इससे प्रेम करो, और फिर स्वयं अपना जो धाम है परब्रह्म परमात्मा स्वरूप उसमें प्रवेश किया। बाजे बजने लगे, भगवान बिल्कुल यहीं रहते हैं, वो कहीं गए नहीं। अब किसी ने कहा कि भगवान रह क्यों नहीं गए, उनका ध्यान क्यों हुए, तो बोले मरती न किम गतिम प्रवर्त। ये जो महात्मा लोग थे ना इनको अगर ये मालूम पड़ जाए भगवान ने अपना शरीर ही रख लिया तो सब महात्मा कहेंगे कि हम ही शरीर रखेंगे, हम भी शरीर रखेंगे, और दूसरे लोग कहेंगे कि जब मर गया तो महात्मा कैसा है ना, मरे मरे हुए को महात्मा ही नहीं माने। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये जो महापुरुष लोग होते हैं वो शरीर को कोई महत्व नहीं देते हैं, इसके चरण वर्णन का भी बड़ा महात्म्य बताया है वो। और इसके बाद सब वहाँ के जो वृद्ध है तो ये इस हम हरे भगवतो उचिर अवतार वीर ज्ञानी बाल सरितान संतमानी अन्यत्र से हटान ग्रहण मनुष्यो भक्तिम पराम परमहंस गतौ तद्वित। इसके श्रवण का फल यही है कि भगवान के चरणारविंद में बड़े बड़े परमहंस जिनका भजन करते हैं बड़ा भक्ति की प्राप्ति होती है, और असल में भगवान की ये तो सब लीला है, किसी को जन्म लेके खुश करते हैं और उसके मन में पूछते हैं, और किसी के लिए चूरी करते, किसी के लिए तीर धारण करते, किसी के लिए राग करते, ये सब लीला करते हैं कि जो जो इसको देखे सुने उसके मन में हम प्रविष्ट हो जाएं। तो ये जो रास लीला, जैसे भगवान की तो रास लीला हमेशा ही होती रहती है, आप जानते हैं वृंदावन परिस्थित बाद में वृंदावन को छोड़ के भगवान कहीं जाते ही नहीं है। अरे मन वृंदावन निहार जगह मिले कोटि चिंतावन उन हाथ कथा लेकिन राज सीमा के बाहर हरिहू को निहार, ऐसे रसिक महाराज यहाँ ये तो कहते हैं कि भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये भगवान का धाम श्री वृंदावन है। तो भगवान तो हमेशा यही रहते हैं मथुरा, भगवान यत्र नित्यम सन्ने तो हरि, भगवान तो यहाँ हमेशा ही रहते हैं। इसके बाद ये बारहवां स्कंध है, तो बारहवां स्कंध में मुख्य रूप से प्रलय का वर्णन है। ऐसा श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने मान के इसको निरोध प्रधान माना है, तो सबका निरोध ही निरोध है इसमें, ये गए वो गए हो गए। और परंतु वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि इसमें
प्रलय से उपलक्षित जो आश्रय तत्व है, आत्यंतिक प्रलय जिसमें होता है, ये भागवत की विशेषता है ना कि प्रलयों में एक आत्यंतिक प्रलय और वो तो परमात्मा में ही होता है, इसलिए इसमें आश्रय तत्व का वर्णन है। और श्रीधर स्वामी का कहना है कि आश्रय तत्व का सीधा सीधा वर्णन कोई सूत्र होता, सीधा सीधा वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम क्रीडत जगकुलां बोधौ परम तत्व उदीर्यते। ये महाराज आश्रय जो है वो विग्रहवान होकर मूर्तिमान होकर दशम स्कंध में है, तो जब मूर्तिमान का वर्णन करते हैं तो जिसकी मूर्ति है उसका अपने आप ही ज्ञान हो जाता है, इसलिए आश्रय तत्व का वर्णन है। और वल्लभाचार्य कहते हैं कि क्रम प्राप्त है दशम में निरोध और क्रम प्राप्त है द्वादश में निरोध, तो यदि कोई बहुत आवश्यक न हो तो इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको तो सुनाते हैं कि राजा तो बहुत हुए और भागवत में भी सबकी गिनती नहीं है, थोड़े लोगों के बीच में 15-20 पीढ़ी तो कम से कम जरूर थोड़ी हुई है। तो ये सब राजा जितने होते हैं ना, इनके आश्रय एकमात्र भगवान है। और राजाश्रय राज्याश्रय स्वयं साक्षात भगवान है, तो इन राजाओं का वर्णन है। और राजाओं के वर्णन के बाद काल में जो परिवर्तन होता है ना, उन काल का वर्णन है। कहीं क्या है कि काल के आश्रय की जो परिस्थितियां बदलती जाती हैं, इनके आश्रय भी भगवान ही हैं। राज्य के आश्रय भगवान और काल के आश्रय भगवान। इसके बाद राजाओं का वर्णन करते करते एक श्लोक बीच में जो आया है वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। सिंधु तटम, सिंधु नदी का तट, चंद्रभागा, कौंती और काश्मीर मंडल, भूक्षण शुद्रा द्राक्षा लेखा ब्रह्म वर्षत, इसमें इन लोगों का राज्य रहेगा। तो भाई भागवत तो समझो जब कही गई थी, जब ये सब परिस्थिति तो देखने में आई नहीं थी, लेकिन ये सब इसमें इसका वर्णन है। अब काल में महाराज जो संस्कृति बदलती है, चित्त बदलता है, उसका वर्णन है। धर्म दिनों दिन क्षीण हो रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो उसको लोग मानते हैं, और मन मिल गया तो पति पत्नी हो गए, और कपट करो तो बड़ी भारी व्यवहारी हो, और चिन्ह धारण कर लिया बोले देखो हम सन्यासी हैं, और नारायण यदि कोई गरीब हो तो उसको लोग तो सन्यास समझते हैं। इस तरह से संसार में जो परिस्थितियां बदलती हैं काल पूर्वक और लोग मरते हैं, उन सबके आश्रय एकमात्र भगवान हैं। और ऐसी अवस्था में भगवान कल्कि आदि अवतार ग्रहण करके और संभल ग्राम में विष्णु जैसा ब्राह्मण के घर में अवतार लेकर के भगवान फिर इन दुष्टों का निवारण करते हैं और सत्युग की प्रवृत्ति करते हैं। इसके बाद काल की गणना करके भी बताया गया है कि परीक्षित का राज्य कब हुआ और उसके बाद नव नंद कब है, और ये सब जो काल गणना में जो राजा लोग आते हैं ये कैसे आते हैं। और ये जो काल होता है इसमें भी कृत त्रेता द्वापर जो है वो केवल समय की गणना से नहीं होता, एक स्थान में द्वापर है तो एक स्थान में सतयुग है, तो एक स्थान में त्रेता है, एक स्थान में कलयुग है, ऐसा भी होता है। और एक के मन में सतयुग है, दूसरे के मन में त्रेता है, तीसरे के मन में द्वापर और कलयुग है, तो इस तरह से वृत्ति के खेल से भी ये आश्रय का भेद है। सबके आश्रय है भगवान, उन लोगों ने महाराज कई कितने राजा हुए और उन्होंने कहा ये धरती हमारी, परंतु किसी के हाथ गई नहीं, सब अंत में मर गए, लोग यही चाहते रहे कि ये मेरी हो ये मेरी हो। पृथ्वी इन लोगों की हंसी उड़ाती है कि ये मौत के खिलौने और हमारे मालिक बनना चाहते हैं, और सोचते हैं कि हम समुद्र पर इस पृथ्वी को अपने बस में कर लेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, पृथ्वी गुरु रवा का भी नो वो क्या कोई रह गए, मुझमें ममता किया और अंत में कथा रचयिता, केवल कहानी ही उनकी रह गई। तो कथा इमास से कथिता मदियताम विदीर्ज लोकेशु जसम परेशाम, ये जो मैंने महापुरुषों की कथा कही है ये अपना अपना जस फैला करके सब के सब मर गए, तो इसमें हमको उन राजाओं से कुछ लेना है,
उनके अनुभव से जो हमें विज्ञान प्राप्त होता है और वैराग्य प्राप्त होता है वही हमको ग्रहण करना है। अरे राजा बैठे हुए कि नहीं हुए इस बात का झगड़ा लेकर के क्या करना। ये ऐतिहासिक लोग महाराज एक एक दिन में कि पहले दिन जन्म हुआ अब से 5000 बरस पहले अमुक राजा का जन्म एक दिन पहले हुआ कि बाद में और महाराज लड़ रहे हैं तो उनका समय व्यर्थ है उनकी वाणी व्यर्थ है उनकी बुद्धि व्यर्थ है उसका निर्णय करके अब कौन सा सार वो प्राप्त करेंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के गुणानुवाद का ज्ञान करें इसी से निर्बल भक्ति होती है। अब इसके बाद राजा परीक्षित ने भगवान की पूजा आदि का यहाँ वर्णन किया इस युग में कैसे पूजा करते हैं। तो ये जो महाराज इसमें कलयुग में अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है और धर्म का क्षय होने लगता है और मनुष्य की जो मनोवृत्तियां हैं वो बुराइयों में फंस जाती हैं और स्त्री पुरुष भाई बंधु इनमें एक ही कौड़ी के लिए लड़ाई होने लगती है। तो सबसे बड़ा कष्ट तो ये है कि लोग भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते हैं। इतना धन्य है यन्नाम हेयम म्रियमाण आतुरः पतन खलन बाविदतो गृहं कुमान विमुक्त कर्मार प्राप्नोति यक्षन्ति रतं सर्वजनाः। भगवान का नाम कोई मरते समय रोग में गिरते समय पांव फुटते समय दिवस भी ले ले तो वो कर्म बंधन से छूट जाता है। उसकी आराधना ही कलयुग में मुख्य है और कलयुग के दोष को वही मिटाता है। जन्म जन्म करोड़ों जन्म के जो पाप हैं वो भगवान के नाम से मिट जाते हैं। वे ही सबके हृदय में बैठे हैं महाराज विद्या का प्राण निरोध मैत्री आदि से अंतरात्मा की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान से। इसलिए सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि भगवान को अपने हृदय में बैठा दो। कलयुग दोष का निधान है लेकिन उसमें एक गुण है वो गुण क्या है कि कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान के का कीर्तन करने से ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में ध्यान करने से त्रेता में युद्ध करने से द्वापर में परिचर्या करने से जो कुछ मिलता है कलयुग में भगवत कीर्तन से ही ये मिलता है। इसके बाद महाराज प्रलयों का वर्णन किया। एक तो नित्य प्रलय हो ही रहा है आप जानते हैं समय चीजें जो बदल रही है पहली चीज क्षीण होती है और नई चीज पैदा होती है। और एक नैमित्तिक प्रलय है जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं या उनके मरने का समय आता है तो वो नैमित्तिक प्रलय हो जाता है। और एक महाप्रलय होता है जब कुछ कुछ ब्रह्मांड प्रकृति में सो जाते हैं। और एक होता है आत्यंतिक प्रलय। वो प्रलय कब होता है कि जब आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध हो करके और वैत नाम की वस्तु जो है वो सर्वथा बाधित हो जाती है। तो इस तरह से महाराज ये सब प्रक्रिया संसार में चलती रहती है। ये जो भगवान की व्याख्या है महाराज भगवान का दर्शन है यही परम कल्याणमय परम मंगलमय है। परमात्मा के स्वरूप में स्वप्न जागृत आदि कुछ नहीं है। जो आत्यंतिक प्रलय जिसको कहते हैं उसका स्वरूप ऐसा होता है बुद्धि इंद्रियार्थ रूपेण ज्ञानम आदि तदाश्रय। बुद्धि वृत्तियां मन इंद्रियां और विषय इन तीनों के रूप में इन तीनों का आश्रय और प्रकाशक ज्ञान ही प्रकट हो रहा है क्योंकि उसी से सब प्रकाशित होते हैं और उसके बिना दूसरे कोई है ही नहीं। तो ज्ञान जो वस्तु है वो तो सबका प्रकाशक सबका आश्रय है सबका प्रकाशक है उसके बिना दूसरे कोई वस्तु नहीं है। और जो वस्तुएं मालूम पड़ती हैं वो आद्यंतवत हैं और आद्यंतवत होने से अवस्तु हैं। तो जैसे कोई कहे दिया है कठी कहीं आँख है कठी कहीं रूप है कुठी परंतु ज्योति से पृथक ये तीनों नहीं है ना। इसी प्रकार संसार में जो कुछ है वो परमात्मा से बिल्कुल अलग नहीं है। ये सब बुद्धि की अवस्थाएं होती है। ये प्रत्येक आत्मा के सिवाय विकार नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये सामान्य है ये विशेष है ये व्यक्ति है ये जाति है ये सब की कल्पना है। एकमात्र परमात्मा है महाराज उपाधि से ये अलग मालूम पड़ता है। इस तरह से महाराज परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है और कहते हैं कि जो संसार सिंधु से पार जाना चाहता है उसके लिए दूसरी कोई नौका नहीं है। तो क्या करे लीला कथा रतन सेवन अंतर है ना भगवान की लीला कथा का जो रस है उसका सेवन करना चाहिए। तो ये नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने व्यास को और व्यास ने मुझे सुखदेव जी को ये बताया था।
अब यही आगे चलकर स्वर्णकादि के लिए वर्णन करते हैं। तो इस श्रीमद् भागवत में है क्या, तो बोले कि बस श्लोक श्लोक में पद पद में परमात्मा का वर्णन। तो परीक्षित जरा सावधान हो जाओ, मैं मरूंगा, ये जो पशु बुद्धि मनुष्य की बुद्धि नहीं है, ये तो पशु बुद्धि है, जो देह से बिल्कुल एक हो गया है वही ये सोचता है कि मैं मरूंगा, न तुम्हारा जन्म हुआ है और न तुम्हारी मृत्यु होगी, देह के साथ तुम्हारा नाश नहीं होगा, ये पुत्र पौत्र आदि तुम्हारे बीज अंकुर नहीं है। अरे कभी कभी तो सपने में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया और मैं मर गया, लेकिन अब कौन देख रहा है कि सिर कट गया, वो तो कटा ही नहीं है, है ना? कौन देखता है, कौन देखता है कि मैं मर गया हूँ, तो जो मरना देखता है वो तो देखता ही नहीं है, इसलिए ये आत्मा अजन्मा है और समर्थ है। जैसे खड़ा फूट जाने पर आकाश नहीं फूटता है, जैसे का क्यों रहता है, इसी प्रकार देह फूल सूक्ष्म फूट जाने पर, कारण फूट जाने पर, ब्रह्म जो है आत्मा का असली स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है। ये जितनी सृष्टि का खेल है ये सब मन का बनाया हुआ है, आत्मा स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश है, वो व्यक्त अव्यक्त दोनों का प्रकाशक है, आकाश की तरह सर्व आधार है, अनंत है, इसलिए भाई अपने स्वरूप का विमर्श करो। एवं आत्मात्मत्वम आत्मनैव अमृत प्रभो, अपने आप ही ये विचार करो कि अपना स्वरूप कैसा है। ये जब हनुमान का चिंतन करोगे और हनुमान की शक्ति जागृत होगी तो वासुदेव के स्वरूप का अनुचिंतन और हनुमान गर्भिणी बुद्धि दोनों के द्वारा मालूम पड़ेगा। और देखो परीक्षित, कोई साथ वहां तुमको नहीं कहेंगे, तक्षक तुमको नहीं जला देगा, वो पोशाक को जला सकता है, तुमको नहीं जला सकता, ये तो पोशाक है उसी को जला सकता है। कोई संसार में मृत्यु नाम की ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें मार दे, तो मृत्यु के मृत्यु परमात्मा हो, मृत्यु मृत्यु नमाम हम, तुम मौत के भी मौत हो, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, मृत्यु मृत्यु नमाम अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम एवं समीक्षण आत्मान आत्मन्याधाय निष्कने बसंतम तक्षकम पादे देवी न द्रक्षति शरीरम च विश्वं च पृथगात्मनः। ऐसा अनुसंधान करो कि मैं परम ब्रह्म हूँ और परम ब्रह्म ही मैं हूँ, दोनों ब्रह्म से अलग मैं नहीं हूँ। ये अनुसंधान संसार के सब उपासक का है, परब्रह्म परमात्मा से अलग मैं नहीं हूँ, परंतु मुझसे अलग परब्रह्म परमात्मा नहीं है, ये अनुसंधान संसार के सब उपासक नहीं करते, ये वेदांत विद्या इसी का नाम है। इस तरह से जब तुम अनुसंधान करके अपने आप को निष्कल आत्मा में रख दोगे, आवेगा तक्षक और लखलपाती जीव से शरीर को काट जाएगा, परंतु शरीर और विश्व ये दोनों तो तुमसे पृथक है ही नहीं। अच्छा परीक्षित, अब क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने तो चरण पकड़ लिया और बोले महाराज मैं सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना, मैं सिद्ध हो गया महाराज और आपने करुणा करके मेरे ऊपर अनुग्रह किया, आपने परमात्मा का वर्णन सुनाया, आप मेरे ऊपर अज्ञानी सात तत्व प्राणी पर अनुग्रह करें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये मैंने आपकी कृपा से श्रीमद् भागवत पुराण सुना है। और अब बताता भगवत तक्षका जो मृत्यु जो हम, अब चाहे मौत कोई भी रूप धारण करके आवे, तक्षक का चाहे दक्षक का, मैं ब्रह्म निर्माण में प्रविष्ट हो गया और आपने अभय का दर्शन करा दिया, अब आप आज्ञा दीजिए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और मन से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस अब मैं छोड़ रहा हूँ प्राण, मेरा ज्ञान बैठ गया महाराज आपके ज्ञान विज्ञान की निष्ठा से, आपने परमात्मा का दर्शन करा दिया। अब महाराज बस जब राजा परीक्षित ने कह दिया कि बात अब इसके आगे कुछ नहीं, तो सुखदेव जी महाराज की पूजा हुई और जो उठकर सबके सामने वहाँ से चले गए। लेकिन यही का संबंध लगाते हैं, सब लोग बैठे रहे, सब सब बैठे रहे, सुखदेव जी महाराज धार गए, राजा परीक्षित अपने आप में अपने आप से अपने आप को स्थिर करके
गंगा जी के घाट पर शांत बैठ गए, निसंग सुनकर सर पाया। तो महाराज कश्यप जी को, उसने कश्यप नाम का कोई ब्राह्मण था विषहारी, उसको लौटा दिया। ये कश्यप को तक्षक का दोष था, ये उसको नहीं करना चाहिए। इसी से तक्षक को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा। तक्षक को रक्षा करने वाले को वापिस करने, काटने का अधिकार था, वापिस करने का अधिकार नहीं था। अब ब्रह्मभूत से राजा थे, राजा परीक्षित जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हो गए, ब्रह्मभूतो महाजोगी संगठन और उनके पुत्र ने महाराज सर्प जांच किया और सबको मारने की कोशिश की। तो बृहस्पति ने आकर के वो इंद्र को भी मारने की कोशिश की, उससे भी रुका दिया। इस प्रसंग में ये बात कही गई कि मोक्ष के आश्रय एकमात्र भगवान है, भगवान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षाश्रय तो भी ब्रह्म में ही है, परमात्मा में है। तो राजा का आश्रय, लोक का आश्रय, काल का आश्रय, मोक्ष का आश्रय परमात्मा। आगे ये बात कही गई है कि वेद का आश्रय भी परमात्मा ही है। कैसे कैसे वेद का विस्तार होता है, और एक जगह तो महाराज ऐसी बात वेद कैसे आता है ब्रह्मा जी के ध्यान में, वो बात भी बताई। पर एक विलक्षण इसमें बात है कि एक महाराज सबसे जब शिक्षा का दान हो गया तो एक जो गुरुदेव थे उनसे एक हत्या हो गई, गाय के साथ साथ जगत जमीन दुर्गन्धा है महाराज। उसके बराबर उसके बराबर का तो संसार में कोई प्राणी नहीं है। तो वो हत्या लगी, वो हत्या लगी तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आओ सब लोग मिल करके इसका प्रायश्चित कर रहे हैं। तो जागृत जी ने कहा कि ये क्षुद्र है, ये क्या प्रायश्चित करेंगे, हम भी प्रायश्चित अकेले कर लेंगे। महाराज इसमें हुआ कि आज जागृत जी अपने को बड़ा भारी तपस्वी समझते हैं, बड़ा समझते हैं, और दूसरे ब्राह्मणों को वो छोटा समझते हैं, जिससे दूसरों का हुआ तिरस्कार। तिरस्कार होने से गुरु जी महाराज ने कहा कि इतने अहंकारी के पास, इतने अहम भाव के वाले के पास मेरा भेद नहीं रहेगा, वापस करवा लिया। फिर जा करके राजवंश ने इस भगवान की आराधना करके नए भेद प्राप्त किए हो, तैतरीय संहिता उन्होंने प्राप्त की भगवान की कृपा से प्रसाद से। इसका अर्थ होता है कि वेदाश्रय जी साक्षात भगवान ही है। और इसके बाद ये प्रसंग ये वेदों का विस्तार कैसे हुआ ये सब बताया, और पुराणों का लक्षण जैसा दूसरे स्कंध में बताया हुआ है उससे मिलते जुलता स्वर्ग विसर्ग वृत्ति रक्षा मनमंत्र वंश वंशानुचरित प्रलय और ऊटी, ये पुराण लग पल के क्रम भेद करके यहाँ वर्णन किया है। और इसका भी अभिप्राय है, अभिप्राय यह है कि आप कब्जों के क्रम से इन लक्षणों को घटित नहीं करें, है ना। जहाँ जिस विषय का वर्णन है वही उस विषय को पकड़ना, ये नहीं कि स्कंध स्कंध में एक एक स्कंध में एक एक विषय है, सब स्कंधों में सभी विषय हैं। इसलिए यहाँ वृत्ति रक्षा मनमंत्र उलट किए गए हो और पंच पंचानुसरित भी उलट गए और नए मुक्ति उठी भी उलट गए। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि स्कंधों के क्रम से इसको नहीं देखना चाहिए, विषय के क्रम से ही इसको देखना चाहिए। तो नारायण पुराणों की संख्या बताई, ये वेदाश्रय पुराणाश्रय भी भगवान है। इसके बाद मार्कंडेय की कथा है। तो मार्कंडेय की कथा का मूल ये है कि माया, जिसको माया माया कहते हैं, इस माया के आश्रय स्वयं भगवान ही है। मार्कंडेय ने कहा कि आपको तो देख ही लिया, माया दिखा दीजिए। अब बैठे भजन करने तो अपने को उन्होंने देखा बड़े भारी समुद्र में, सारी पृथ्वी का प्रलय देखा, और वो पिपल वृक्ष की एक शाखा पर बाल मुकुंद को देखा, उनकी नासिका में घुस गए, कोटि कोटि ब्रह्मांड देखा, और बाद में वहाँ से निकले और देखते क्या है कि ये तो कुछ मिनटों में हो गया, ये सब कोटि कोटि कल्प बीत गए कुछ मिनटों में, वो तो अपने आश्रम पर बैठ करके भगवान का भजन करते थे। शंकर जी महाराज उनके पास आए और उन्होंने उनकी स्तुति की। शंकर भगवान ने उनको यहाँ भी भगवान के दर्शन के अनंतर, जो शंकर भगवान का दर्शन है
वो यही है कि भगवान के दर्शन के पश्चात भागवत का दर्शन होता है और वही भगवान की कृपा को परिपूर्ण बनाते हैं। जो भी तरह से देवी और शंकर जी के सत्संग से उनका बड़ा भारी मनुष्य का मंगल होता है। और उन्होंने बता दिया कि शंकर जी और विष्णु में कोई भेद नहीं है, नृदा भगवत कक्षते नात्मनस्कर जनस्यापि तद्युष्मान् वयसी नहीं। इस तरह से ये मार्कंडेय की जो कथा है वो ये बताने के लिए है कि प्रलय के और माया के एकमात्र आश्रय स्वयं भगवान है। अब इसके बाद भगवान की विभूतियों का वर्णन है, उनकी पूजा में जिन जिन विभूतियों का प्रयोग होता है, कैसे अंग उपांग आयुध आकल्प इनकी कल्पना होती है। अब ये स्वरूप का एक प्रकार से रहस्य है, पूजा करे तो भगवान नहीं है और असल में ये आकार जितने हैं इनके आश्रय भगवान है। तो इसको ये बताया कि पृथ्वी भगवान का चरण है और स्वर्ग सिर है और नर नाभि है और सूर्य भगवान के नेत्र है। ये सब बता के ये कहा कि कौस्तुभ मणि जो भगवान के गले में है वो शुद्ध चैतन्य है और उसकी प्रभा जो है वही स्त्री वक्त के रूप में थोड़ी जैसे हो ना बाल चमकते हैं भगवान की छाती के बाल, उस कौस्तुभ की प्रभा से चमकते हैं तो उसी का नाम स्त्री वक्त हो जाता है। अब महाराज ये जो कौस्तुभ मणि है और इसमें छेद नहीं है और ये रस्सी से बांध के भगवान के गले में नहीं रखा जाता, बिना बंधन के बिना छिद्र के भगवान के साथ रहता है ये गले में और ये शुद्ध चैतन्य है जिसको भगवान अपने कंठ में धारण करते हैं। इनकी माया ही वनमाला है और वेद जो है ये पीताम्बर है और प्रणव का जगयोग रूप है और सांख्य योग का कुंडल है, ब्रह्मलोक कुटुंब है। इस तरह भगवान की आराधना के लिए जो हम मूर्ति लेते हैं वो सब का सब जो अनंत परमात्मा का स्वरूप है ना उसी का वो प्रतीक है। इसलिए पूजा आश्रय जो है वो साक्षात भगवान ही है। और इसके बाद सूर्य का बंधन है तो ये सूर्य जो है 12 महीने में 12 इनके नाम होते हैं और 12 प्रकार से आराधना होती है, 12 प्रकार के उनके साथी होते हैं लेकिन उनके आश्रय ही साक्षात भगवान ही है और ये सब अपना अपना काम करते हैं। इसके बाद भगवान हर दो नमो धर्माय नमः कृष्णाय विधि करके भगवान को नमस्कार किया गया। सुख जी महाराज कहते हैं, अब श्री सुखदेव जी महाराज से चले गए हैं तो वो बोलते हैं कि ये जो मैंने भगवान की लीला तुमको सुनाई है ये भागवत पुराण इसमें पद पद पर सर्व पापापहारी श्री हरि का वर्णन है और इसमें परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान का स्वरूप है। और इसके बाद महाराज इसने क्या बताया इस अध्याय में कि प्रथम स्कंध से लेकर के और 12वें स्कंध तक जितनी कथाएं हैं उनकी सूची दे रहे हैं। सूची देने का अर्थ है कि यदि कभी कोई कथा लिखने में पढ़ने में चूक गई हो तो उसका स्मरण हो जाए, किस तरह से नारद जी जान के आश्रम में आए और फिर कैसे गौरव पांडवों के वंश का वर्णन हुआ और कैसे उन्होंने कई दिन पर विजय प्राप्त किए तो प्रथम स्कंध में है और ध्यान का वर्णन फूल ध्यान सूक्ष्म ध्यान कैसे होता है और सुखदेव जी महाराज के परिस्थिति में कैसे प्रस्तुत किया और उन्होंने कैसे भगवान की वंदना की और भगवान की अवतार चतुर्थ ज्योति का भागवत ये सब दूसरे स्कंध में है। तीसरे स्कंध में विदुर मैत्रेय का संवाद है, बराह अवतार है, कपिल देव की कथा है। चौथे स्कंध में दक्ष प्रजापति ध्रुव प्राचीन वर्गी पर देखा है और पांचवें स्कंध में प्रियव्रत और ऋषभदेव और भरत और बीच बीच में लोक लोक में भगवान की पूजा है, छठे में अजामिल और वक्ष और नारायण नारायण कवच और वृत्रासुर की कथा और फिर मरुद्गण की उत्पत्ति ये सब है। सातवें स्कंध में प्रहलाद और त्रिपुरासुर और आठवें स्कंध में गजेंद्र का उद्धार और समुद्र मंथन और नवें स्कंध में नाना प्रकार के राजाओं का चरित्र, दशम स्कंध के पूर्वार्ध में श्री कृष्ण की लीला और उत्तरार्ध में द्वारकेश की लीला, ग्यारहवें स्कंध में श्री कृष्ण विद्रोह का संवाद और उसके पहले वसुदेव नारद का, नव जोगेश्वर मुनि का और फिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का निर्वाण और 12वें अध्याय में राजा परीक्षित की मुक्ति, इस तरह से 12वें स्कंध की इसने सूची बताई है।
असल में भगवान का जो संकीर्तन है वही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी है। और ये बातें सब भीतर झूठी है, झूठी कथाएं जिनमें भगवान का चरित्र नहीं है, वही सत्य है, वही मंगल है और वही घोड़े है जिसमें भगवान के गुणानुवाद का वर्णन हो। सदैव रम्यम रुचिरा नवम नवम, वही नवणीय है, वही रुचिर है, वही अपने मन के लिए सदा महोत्सव है। इसी से मनुष्य के शोक का समुद्र सूख जाता है, जो भगवान के रस का ज्ञान है। जिसमें भगवान का रस न हो वो पानी चाहे कितनी भी अच्छी हो पवित्र नहीं है। और संत लोग भले आशा जुड़ी हो परंतु उसमें भगवत गुणानुवाद हो तो उसका आदर करते हैं। और उसी से भगवत गुणानुवाद से ही मनुष्य के पाप साथ सब दूर होते हैं। मेरा कोई कितना भी ज्ञान योग करे धर्म करे परंतु यदि उसमें भगवान की आस्थि न हो तो उसकी शोभा नहीं होती है। इसलिए सबका हाथ ये है कि अधिस्मृति श्रीधर पाद पद्मयो हो गुणानुवाद श्रवणादि निर्हरे है, भगवान के गुणानुवाद आदि का श्रवण करके और किसी भी तरह से भगवान श्रीधर के चरणारविंद का स्मरण न होने पावे। अधिस्मृति विस्मृति न हो, निरंतर निरंतर स्मृति बनी रहे यही चाहिए। अभिस्मृति कृष्ण पदारे भद्राणी समान सरोजित भगवान की चरणारविंद की जो स्मृति है वो अभद्र को दूर करती है, शांति देती है, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा की भक्ति आती है, विज्ञान वैराग्य से लिप्त ज्ञान होता है। तो आप लोग बड़े भाग्यवान है कि आपने ये सुंदर भागवती कथा सुनी है। ये भगवान की महिमा आपको सुनाई। इसके श्रवण करने से महाराज ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना मिल सकती हो। देवता सिद्ध सब इसी का यज्ञ गाजा भी करने से जो वर्णन करते हैं मधुकुल्या कृष्णकुल्या प्रयकुल्या वो सब मिल जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो चाहे जो सब उनको मिल सकता है। इस पुराण की विशेषता ही है, यहाँ सर्वत्र भगवान का वर्णन है। तो सुखदेव महाराज ने इसको सुनाया है, आप जानते हैं, आओ उनका एक बार स्मरण करें। तो सुख निवृत्त सीता सद विदत्तान्य भाव सद विदत्तान्य भावो यही तरुचि लीला कृष्ण सारस सदिया यह अनुत कृपया यदीतम सुनाणम तम अखिल अति नटनम व्याप सुनो नकुलेश जी का नमस्कार करना। और संसार जितना ब्रह्मा वरुण इंद्रादि देवता है वो और वेद आदि और बड़े बड़े विद्वान परमात्मा का ही स्मरण और स्तुति करते हैं। और उनके पीठ पर जिस समय मंत्रासन भ्रमण कर रहा था उस समय महाराज उनको नींद आ गई, बड़ा खुजली खुजली जैसे कोई खुजलावे गुदगुदावे नारायण और आराम मिला तो सांस बढ़ गई। उसी सांस के भक्ति से महाराज ये समुद्र जो है ये अब तक चलते रहते हैं। फिर इसके बाद पुराणों की संख्या बताई, ये पुराण जो है ब्रह्म पुराण 10,000 सत्य पुराण 55,000 इस तरह पुराणों के श्लोकों की संख्या बताई। ये जो श्रीमद् भागवत है ये 18,000 श्लोकों का सुर है। तो महाराज ये नारायण ने ब्रह्मा को पहले पहल करना बताया था और कोई प्रयोजन नहीं था। इसमें आदि अंत मध्य सब में भगवान की स्मरण और ये है क्या तो सर्व वेदांत सारंगत ब्रह्मा पैतत्व लक्षण संपूर्ण वेदांतों का सार क्या है, कुल एक वस्तु है। तो वो वस्तु क्या है, तो वो वस्तु है अद्वितीय द्वितीय। बोले अद्वितीय वस्तु कोई कैसे हो, एक आत्मा है एक परमात्मा है। बोले नहीं, आत्मा और परमात्मा दोनों की एकता ही जिसका लक्षण है ऐसी अद्वितीय वस्तु है। अच्छा, और इसका प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य। तो इसमें महाराज जब ही परिकृत की दृष्टि से देखें तो इतनी सामग्री से श्लोक में भरी हुई है संपूर्ण वेदांतों का सार एक बात। दूसरी वो सार क्या है का वस्तु है, भाव नहीं है, ठोस वस्तु है। और वो ठोस वस्तु भी द्वैत रहित है और द्वैत रहित होने पर ये नहीं कि जगत और परमात्मा एक है, आत्मा और परमात्मा उसमें एक है।
और उसी में भागवत की निष्ठा बन बनाती है और एकमात्र कैवल्य ही उसका प्रेम है। इसलिए जो भागवत पुराण है ये जैसे महाराज इसमें जिसको स्वाद आ गया उसको फिर दूसरी जगह स्वाद नहीं आता है। ये तो अमृत का समुद्र है, तभी तक दूसरी वस्तु पढ़ने सुनने का मन होता है जब तक भागवत पढ़ा सुना नहीं। जैसे क्षेत्रों में काशी है वैसे पुराणों में भागवत है। वैष्णव का तो एक सर्वत जो है धन है, इसमें ज्ञान वैराग्य सहित नई कर्म का आविष्कार हुआ है और ब्रह्मा जी को भगवान ने ये ज्ञान का दीपक दिया है और ब्रह्मा जी बन करके भगवान ने नारद को, नारद बन के व्यास को, व्यास बन के सुग्रीव को भगवान ने भी बताया है। उपत शुद्धम विमलम विदो कमृतम सत्यम परम धीमहि, सत्शुद्धम विमलम विदोषमृतम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि से ये प्रारंभ हुआ था और ये सत्यम परम धीमहि यही उसी का उपसंहार है। उपद्रव और संहार में एक भाव हो जाने से तात्पर्य का निर्णय करने में बड़ी सहायता मिलती है। ये नाम और आकार के आग्रह को लक्ष्य करके परम सत्य का चिंतन है। तो महाराज गुरुदेव को पहले सुखदेव जी को नमस्कार करके कहते हैं कि ये सांप जो लगता था ना परिस्थिति को ढकने वाला है वो कोई सांप दूसरा नहीं है। संसार सर्प गो विश्वरासम अमू निकट, ये असल में संसार ही सांप है और इसी ने परिस्थिति को विदेशी राजा को भी ढक लिया था। वो परिस्थिति मान विदेशी विदेशी को भी ढक लिया था, विदेशी भी संसार के चक्कर में, परंतु ये श्रीमद् भागवत जो है उसको भी संसार के चक्कर से निकाला है। इसके आगे दो श्लोक जो है वो संसार के रूप में है। हरे हरे यथा भक्ति साधयो सब जायते तथा पुरुष देवेशो नाथत्व नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनम यज्ञ सर्वपाप प्रणाशन प्रणामो दन्नमामि हरे प्रणम। हे प्रभु जैसे आपके चरण कमलों में जन्म जन्म में हमारी भक्ति हो ऐसा तो तुम हमारे स्वामी हो प्रभु हो और आपका नाम संकीर्तन सब पापों का प्रणाश करने वाला है। आपको किया हुआ प्रणाम संपूर्ण दुखों को शांत करने वाला है। ऐसे प्रभु श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्लोक लोग कभी कभी बोल भी देते हैं अंत में, भवे भवे यथा भक्ति ही, भवे भवे यथा भक्ति ही सागयो सब जायते तथा पुरुषो देवेश नाथत्व नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनम यज्ञ सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख तमन तम नमामि हरि प्रणाम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम शांति।